वी आर स्टार्टिंग विद द सेक्शन हाइड्रोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा होगा। अभी तक जो हमने फ्लूइड की बात की है, द फ्लूइड वाज एट रेस्ट कंडीशन, फ्लूइड कहीं इधर उधर चल नहीं रहा था। अब हम फ्लोज की बात करेंगे, दैट मींस लिक्विड इज इन मोशन, द लिक्विड फ्लोज। अगर लिक्विड फ्लो करता है तो पहली बात तो ये समझ लीजिए प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। एक जगह पे हाई प्रेशर होगा, दूसरी जगह पे लो प्रेशर होगा, तो लिक्विड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर जाएगा। लेकिन फ्लो समझ मतलब वो वहां तक जाने से पहले हम पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में कुल मिला के दो थ्योरम है जो आपको याद रखनी होती है। एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फर्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इजी, एंड द सेकंड वन इज द बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बहुत अच्छा थ्योरम है, इसीलिए द लगा दिया जाता है आगे, बहुत महानतम थ्योरम है द बर्नौलीज थ्योरम। पूरा चैप्टर इसी इन्हीं दोनों के बेसिस पे खत्म हो जाता है, हाइड्रोडायनेमिक्स इसी पे खत्म हो जाता है। बर्नौलीज थ्योरम आपने पढ़ लिया तो खत्म हो गया, लास्ट पेज देखिए बर्नौलीज थ्योरम पे, ठीक है ना। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी है, एप्लीकेशन वाइज ये बहुत लंबा हो जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम टाइप्स ऑफ फ्लो समझेंगे। देखिए दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, एक तो है स्टेडी फ्लो और दूसरा है, द फर्स्ट वन इज स्टेडी फ्लो एंड द सेकंड वन इज अनस्टेडी फ्लो। इन दो टाइप के फ्लोज को कैसे डिफाइन किया गया, देखिए फ्लोज को दो तरीके से हम बांटते हैं, पहला तो स्टेडी अनस्टेडी और दूसरा जो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। आप देख पा रहे हैं उसी मतलब इसी शीट में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ये इस तरीके से दो फ्लोज को डिफाइन किया गया है। अब कैसे कैटेगराइज किया जाता है, स्टेडी मतलब जो समय के साथ ना बदले, एक ऐसा फ्लो जहां पर समय के साथ कोई पैरामीटर ना बदले उसे हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। अब यहाँ पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, डेंसिटी समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए, प्रेशर समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, और तीसरा वेलोसिटी भी समय के साथ नहीं बदलनी चाहिए एट अ गिवन पॉइंट, उसे हम स्टेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देता हूं यहां इस क्लास के अंदर, यहां पर सपोज यहां पर मैं खड़ा हूं, वहां पर कुछ टेम्परेचर मैं नोट कर लेता हूं, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। जहां पर लेटर से भानु बैठा हुआ है वहां टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं थोड़ा सा वेरिएशन है 5 डिग्री, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा हो गया, 5 डिग्री का वेरिएशन है, कोई बात नहीं। अगर आज से अभी से 5 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 24 घंटे बाद यहां का टेम्परेचर 10 ही रह जाए, वहां का टेम्परेचर 15 रह जाए, हम इसे कहेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन। कि पैरामीटर है तो अलग अलग, जगह के साथ तो चीज वराय कर रही है लेकिन समय के साथ वराय नहीं कर रही है। तो स्टेडी फ्लो का मतलब समझ में आ गया, किसी एक पॉइंट पर अगर आप रफ्तार देख रहे हैं तो हमेशा वही रहे। तो दैट मीन्स के देखिए आप शब्द पढ़िए, आप शब्दों पे गौर कीजिएगा, वेलोसिटी प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट, अंडरलाइन करें, किसी एक पॉइंट पर फ्लो के अंदर कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, उस पॉइंट की रफ्तार प्रेशर डेंसिटी समय के साथ नहीं बदलने चाहिए। जो भी हमने लिखा है डीवी बाई डी टी, मतलब समय के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो, डी रो बाई डी टी डेंसिटी चेंज ना हो, और डी पी बाई डी टी जीरो मतलब प्रेशर भी चेंज ना हो समय के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा फ्लो है जहां पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, वेलोसिटी समय के साथ बदल जा रही है, डेंसिटी बदल जा रही है, प्रेशर बदल जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो। सेकेंड पे आ जाओ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो एक समान रहता है स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में एक जैसा रहने वाला यूनिफॉर्म होता है। आप देखिए यहां पर एक पाइप बना रखा है और ऐसा कह रखा है इस पॉइंट पे जो रफ्तार है वही रफ्तार इस पॉइंट पर भी है। अगर समय के समय नहीं, यहां पर स्पेस के साथ जगह के साथ अगर वेरिएशन ना आए तो उसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, जहां बानू बैठा हुआ है वहां भी 10 डिग्री सेल्सियस है, लेट अस से जहां इमरान बैठा है वहां भी 10 डिग्री सेल्सियस है, जहां अर्चित बैठा है वहां भी 10 डिग्री सेल्सियस है, हर जगह तापमान एक समान है, स्पेस के साथ नहीं बदल रहा हो तो हम कहेंगे वो चीज क्या रहती है, यूनिफॉर्म। ये वही वाली बात हो गई, कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, कॉन्स्टेंट जो समय के साथ ना बदले और यूनिफॉर्म जो जगह के साथ ना बदले।
तो यहां पर अगर हर जगह एक जैसा, चाहे समय के साथ हम बदल जाएं, मान लो एक घंटे बाद हमने टेम्परेचर लिया और आ गया 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हर जगह एक जैसा है, तो हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म तो है लेकिन स्टेडी नहीं है, समय के साथ बदल गया। यही रफ्तार होगी जब वो फ्लो कर रहा होगा, यही तीनों पैरामीटर्स की बात होती है, इसलिए यही स्पेसिफाइड है। फिर आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मतलब सपोज ये इस तरीके का कुछ पाइप दे रखा है, यहां पर वेलोसिटी कुछ v1 है, यहां पर वेलोसिटी कुछ v2 है, मतलब जगह के साथ वेलोसिटी जो है वो बदल गई, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ गए? यूनिफॉर्म इज द वन व्हिच रिमेंस सेम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्टेडी इज द वन व्हिच रिमेंस सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लो हो गए जो आपको पता होने चाहिए शब्द से। अब आ जाइए, अब डिफाइन करते हैं अपन अलग टाइप के फ्लोज को। पहला फ्लो जो है वो है स्ट्रीम लाइन फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम लाइन फ्लो। आप देखिए स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टेडी फ्लो ही होता है, स्टेडी फ्लो। लेकिन किस तरीके का है, देखिए शब्द पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द पार्टिकल मूव्स इन अ मूव इन अ ऑर्डरली फैशन एंड इन सच अ वे दैट ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट have the same velocity in magnitude and direction as that of the previous particle, preceding particle. The velocity at a point doesn't change with time. कहने का मतलब है समय के साथ कोई variation नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, for example, यहाँ पर कोई एक point था, let us say ये A point था, यहाँ रफ्तार जो थी वो VA थी, यहाँ से गुजरने वाला कोई भी particle इसी direction में चलेगा, इसी magnitude के साथ चलेगा। अब चाहे यहां से इस पॉइंट से कितने ही पार्टिकल्स गुजर जाएं, समय के साथ इस पॉइंट पर जो रफ्तार है वो चेंज नहीं हो सकती। इस टाइप के फ्लो को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक तरीके से स्टेडी फ्लो ही है, क्योंकि लास्ट लाइन आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी एट अ पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। अच्छा, कहने का मतलब ये नहीं है, आप देखिए बी पॉइंट पर रफ्तार कुछ और हो सकती है, मान लीजिए यहां पर रफ्तार कुछ भी हो गई, कहीं नीचे हो गई, मान लीजिए सी पॉइंट पर जाके बी सी ऐसे हो गई, कोई बात नहीं, अलग अलग पॉइंट्स की रफ्तार अलग अलग हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट से जो भी पार्टिकल गुजरेगा उसकी रफ्तार वही होगी, चाहे आप मैग्नीट्यूड के हिसाब से करें या फिर डायरेक्शन के हिसाब से करें। सच टाइप ऑफ ऑर्डरली फ्लो, मतलब लाइन में सब फॉलो कर रहे हैं ना, उसके पीछे जो भी जाएगा पार्टिकल, इसके पीछे जो भी पार्टिकल है वो जब यहां से गुजरेगा तो वीए से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा वीबी से गुजरेगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी। दिस इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। नहीं कुछ नहीं, ये तभी स्ट्रीमलाइन, इसलिए कम वेलोसिटी पे ही होता है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी पे नहीं होता है, फिर जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है, उसे टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा अभी आगे। अनस्टेडी में डेंसिटी और प्रेशर चेंज हो तब भी होगा, अनस्टेडी जी 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 अनस्टेडी का वही है मतलब। हाँ, तीनों चीजें, तीनों में से कोई भी चीज चेंज हो गई। नेक्स्ट है, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन गेट टू डायरेक्शंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मान लीजिए ये एक स्ट्रीम लाइन थी, ये वो लाइन है जिसके अलोंग पार्टिकल्स जो है लिक्विड के मूव कर रहे हैं, ये दूसरी स्ट्रीम लाइन है, ये वाली तीसरी स्ट्रीम लाइन है, ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम लाइन हो सकती है एक लिक्विड के अंदर। हम कहते हैं कि कोई भी दो स्ट्रीम लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन ऐसी है, एक स्ट्रीम लाइन ऐसी है, ये बिल्कुल वैसा ही है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दो डायरेक्शन मिलेगी, मॉलिक्यूल यहां आ गया कहां जाए, इसके अलोंग जाए या इसके अलोंग जाए, कंफ्यूजन, यू कैन नॉट गिव ऑप्शंस विद इट। सिंपल सी बात है कि मॉलिक्यूल के पास दो रफ्तारें हो जाएंगी, और एक ही पॉइंट पर पार्टिकल के पास अगर दो रफ्तारें हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं हो सकता, तो स्ट्रीमलाइन वो नहीं होंगी। तो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें दो डायरेक्शन मिल सकती है जो कि पॉसिबल नहीं। सेकेंड टाइप पे आ जाइए, लेमिनार फ्लो। ये तो किस टाइप का फ्लो था? स्ट्रीमलाइन फ्लो। जी एक ही बात है ये, अब किताबों में जो जो लिख रखा है वो बता रहा हूँ, देखते केवल वेलोसिटी पे ही है, क्योंकि हम यूजुअली जो लिक्विड लेते हैं ना, हम आइडियल लिक्विड ही लेते हैं। आइडियल लिक्विड वो होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब उसकी डेंसिटी नहीं बदल सकते।
तो फिर हम जब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात कर रहे होते हैं तो इन जनरल हम डेंसिटी तो हम कहते हैं कि सेम ही है, तो उसके बारे में क्या ही चर्चा की जाए, रफ्तार ही अलग अलग पॉइंट पे अलग होती है। सेकेंड है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, अब ये लेमिनार फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो का एक स्पेशल केस है जिसमें लिक्विड जो है वो लेयर्स की फॉर्म में मूव करता है। जैसे यहां देखिए, आप चित्र देख पा रहे होंगे, जैसे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसी सिलेंडर का, अब लिक्विड जो है ना यहाँ पर लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। ये एक लेयर ऐसे ऐसे गई, फिर ये बीच में लेयर ऐसे चली गई, फिर एक और लेयर, तो लेयर्स की फॉर्म में जब लिक्विड फ्लो करता है तो हम उसे किस टाइप का फ्लो करेंगे, लेमिनार फ्लो करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो का ही एक और एग्जांपल है, सारे पार्टिकल्स ऑर्डरली वे में ही चल रहे हैं, जिस पॉइंट से पे जो रफ्तार है वही रहेगी, दैट्स इट। इसके बारे में अपन और आगे बात करेंगे लेमिनार फ्लो के बारे में। अब आ जाइए टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो ये अनऑर्डर्ड फ्लो होता है, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है, किसी भी रफ्तार के साथ जा सकता है, जिगजैग मोशन कर सकता है, कुछ भी। जैसे आप अगर नोट करें तो टैप में, अगर आप टैप अगर बहुत हल्का सा अगर आपने टैप ओपन किया है तो आपको इस तरीके से टैप में से ऐसे यूं कई बार पतली सी बिल्कुल लाइन दिखती है, यूं है ना, बिल्कुल बहुत कम खोलिए। और मतलब आजकल तो शावर टाइप वाले टैप्स आने लगे हैं जिसमें से बहुत सारी स्ट्रीम लाइन निकलती है। पहले जो टैप आते थे कि सिंपल एक ओपनिंग है, वहां से बहुत हल्का सा खोलिए तो ये वाला जो फ्लो होता था इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। ज्यादा खोल दीजिए करके पानी गिरेगा, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का एक और एग्जांपल, अच्छा इसमें देखिए लिखा क्या है, अनऑर्डर्ड फ्लो इन विच द पार्टिकल्स मूव जिगजैग एंड रैंडमली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एडीज एंड हाई एनर्जी लॉस। एडीज मतलब समझते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में एक पोयम पढ़ी थी द ब्रुक, नहीं पढ़ी आपने? फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर, ये पढ़ी है पोयम? अच्छा चलो ठीक है। एडीज करके, एडीज क्या होता है देखिए, जब पानी जो है वर्लपूल्स बनाता है हम उसे एडीज कहते हैं। आपने ये चीज कहा ऑब्जर्व की होगी, अगर आप कभी डैम वैम में गए हैं तो जो पिलर्स होते हैं ना उसके पीछे वाले साइड में क्या होता है कि कुछ वर्लपूल्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वर्लपूल में का पानी गोल गोल घूम रहा होता है, उसे एडीज कहते हैं। तो जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ना उसमें बहुत सारे एडीज का फॉर्मेशन होता है, और जब पानी बहुत तेजी से निकलता है तब की बात होती है, जब पानी बड़ा तेजी से निकल रहा हो किसी ऑब्स्टेकल को स्ट्राइक कर जाता है ना तो उसके अराउंड जो है पानी थोड़ा घूमने लगता है, उसे एडीज कहा गया। और टर्बुलेंट फ्लो जो है वो एनर्जी का बहुत लॉस करता है क्योंकि आवाज आती है, आवाज साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है ना, मतलब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लॉस ही हो गई ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड में कन्वर्ट हो गई, आपको आवाज सुनाई देती है एडीज के आसपास। ये अब कैसे बताऊं, ये तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है, वॉश बेसिन में पहले आप हाथ रख दीजिए, किचन के सिंक में आप देखिए कुछ फंस जाए कचरा फिर उसको हटाइए, वो जो वर्लपूल्स बन रहे हैं वो एडीज ही है एक तरीके से, है ना, एनर्जी लॉस। गुड एग्जांपल, नहीं कचरा नहीं है, मैं सिंक वाले एग्जांपल पे चला गया, आप वॉश बेसिन पे थे मैं किचन के सिंक पे चला गया। नेक्स्ट आ जाइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ नहीं तो थ्योरी है, ज्यादा जल्दी होगी। लेमिनार फ्लो आप देख सकते हैं, बताया ना, एक तो ये नलके पे देख सकते हैं, बहुत कम खोलिएगा इसे, और एक आप देख सकते हैं नदी पे, नदी जो शांत नदी हो बहुत हल्के से बह रही हो, वो भी एक तरीके से लेमिनार फ्लो है। एक तरीके से और देख सकते हैं आप, एक प्लेट पे बहुत सारा हनी गिरा दीजिए, प्लेट को थोड़ा सा तिरछा करना तो वो जो हनी है वो बहुत धीरे धीरे लेयर्स की फॉर्म में आगे सरकेगी, वो भी लेमिनार। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, विजुलाइज करने के तो बहुत तरीके हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। सपोज एक पाइप है इस तरीके का,
सुन लीजिए, मान लीजिए कि पाइप है, ठीक है, इस पाइप में वाटर या कोई भी लिक्विड एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और यहां से छोड़ के जा रहा है विद वेलोसिटी v2। कोई परेशानी? मैं कह रहा हूं बहुत ही छोटे से टाइम dt की बात करते हैं, छोटे से टाइम dt में। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मान लेता हूं कुछ अलग अलग है। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो a2 है। अगर छोटे से टाइम dt की बात की जाए तो लिक्विड थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, ये मतलब इतना वॉल्यूम ही अंदर घुस गया, कितना वॉल्यूम अंदर चला जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हाउ मच वॉल्यूम विल एंटर इनटू द पाइप, जल्दी बताइए। ये वाली जो दूरी है वो कितनी लिख सकता हूँ, v1 into dt, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, डिस्टेंस दे देगा। तो अब अगर मैं एरिया से इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो वॉल्यूम मिलेगा। तो कितना वॉल्यूम अंदर एंटर किया है, a1 v1 dt, दिस इज द वॉल्यूम विच हैज एंटर्ड। अगर मैं कहूं मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कितना मास अंदर चला गया वाटर का या लिक्विड का, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। डेंसिटी कितनी, लेट अस से इस पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो ρ1 है, ρ1। तो ये क्या मिला, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय छोटी सी विड्थ जो भी अंदर गया लिक्विड। अच्छा, जितना पानी यहां पर अंदर गया, लेट अस से अब मैं ये निकाल रहा हूं कि पानी कितना बाहर चला गया। अगर पानी बाहर चला गया ये मुझे निकालना है तो छोटा सा मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया। जल्दी बताएं, ये छोटा सा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, v2 dt। तो कितना वॉल्यूम बाहर चला जाएगा, a2 v2 dt। अगर यहां पर डेंसिटी ρ2 है तो इतना मास बाहर चला जाएगा। कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है। जितना मास अंदर एंटर किया है उतना ही मास बाहर जाएगा पर यूनिट टाइम, ऑब्वियसली बात है। नहीं तो क्या है, अंदर ज्यादा आ रहा है तो कोई वो स्टोर होता चला जा रहा है, ऐसा है नहीं। अगर हम लिक्विड को इनकंप्रेसिबल मानते हैं, जो कि एक्चुअल में होता भी ऐसे ही है, लिक्विड को बहुत ज्यादा आप कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, इफ द लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल तो हर जगह डेंसिटी एक जैसी रहेगी। अगर डेंसिटी एक जैसी रहेगी मतलब ρ1 और ρ2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जितना मास अंदर एंटर कर रहा है अगर उतना ही लीव कर जाता है तो ρ1 ρ2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, dt भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे मेरे पास क्या बच जाएगा, a1 v1 = a2 v2। जितना वॉल्यूम अंदर एंटर करेगा पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम लीव कर जाएगा पर सेकेंड। ये मैं पर सेकेंड क्यों कह रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से, जिसे फ्लो रेट भी कहा जाता है। व्हाट इज इट नोन एज, फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड को फ्लो रेट कहा जाता है। आप लिख लीजिए यहां पर, वॉल्यूम फ्लोइंग पर रेट इज नोन एज फ्लो रेट, उसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे और छोटा वी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। तो यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, a1 v1 = a2 v2। जितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम पर यूनिट टाइम उस पाइप को छोड़ के भी चला जाएगा। दैट्स इट, बहुत आसान चीज बता रहा हूं यहां। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीधा सा कहता है एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड। अब आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है, इन अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब है ना डेंसिटी बदल रही है, ना वेलोसिटी बदल रही है समय के साथ, ना ही प्रेशर बदल रहा है। द अमाउंट या मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग अ सेक्शन इज द सेम as that leaving another section in a given interval of time, जितना enter कर रहा है उतना ही leave कर जाएगा। ये equation of continuity है। ये let us say ये एक shower है। बड़ी खासी आ रही है। Cross sectional area यहाँ का capital A है। यहाँ पर water जो है वो v1 velocity से enter करता है और यहाँ पर number of holes हैं। Let us say
हर एक जो होल का जो रेडियस है वो छोटा आर है, छोटा आर इज द रेडियस ऑफ वन होल एंड लेट अस से देयर आर एन नंबर ऑफ होल्स। तो अगर ऐसा कह दिया गया कि यहाँ से जो लिक्विड जा रहा है बाहर हर होल से उसकी वेलोसिटी v2 है, तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लिख सकते हैं, जितना पानी एंटर करेगा पर यूनिट टाइम उतना ही बाहर जाना चला जाना चाहिए। तो एंटर कितना करेगा a2v1 वॉल्यूम फ्लो रेट, इतना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एंटर किया, बाहर कितना जाएगा, एक का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर, ऐसे कितने होल्स है n है, n into pi r square multiplied by what? यहाँ की velocity v2। अब v2 का भी पूछ ले, कभी number of holes पूछ ले या कुछ भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। आसान चीज है, note करो इस बारे में। देखिए मान लीजिए एक पाइप है, वो पाइप आगे जाके दो टुकड़ों में टूट जा रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ a by 2 हो गया और यहाँ जो है वो 3a हो गया, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a था, यहाँ जो लिक्विड एंटर किया वो 3v वेलोसिटी से एंटर किया, यहाँ से v वेलोसिटी से निकल गया, आपसे पूछा है यहाँ कितनी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर जाएगा, बहुत आसान है, जितना वॉल्यूम अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर चला जाएगा पर यूनिट टाइम, जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जाना चाहिए। अंदर एंटर कितना करेगा 2a into 3v बराबर, जो बाहर जा रहा है वो कितना हो जाएगा a by 2 into v plus 3a into v dash, let us say this is v dash, खत्म हो गया सवाल, a तो cancels out, 6v minus v by 2 is equals to 3v dash, so this is 11v by 6 is equals to v dash, यहाँ से जो लिक्विड जाएगा वो इतनी वेलोसिटी से बाहर चला जाएगा। यस प्लीज पे अटेंशन, सुन लो, ये एक वाटर टैप है, टॉप का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, ठीक है, यहाँ से लिक्विड निकलता है तो वेलोसिटी v0 और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पानी जो है वो नीचे चला जाता है, जैसे ही नीचे आता है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा सा कम हो जाता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है तो, वैसे हम टर्बुलेंट में तो क्या ही फ्लो ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ आके क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि वेरी गुड वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, वाटर जो है वो एच हाइट नीचे गिर गया, तो आपसे पूछा है कि एच हाइट पे जब वाटर गिर जाता है तो इसमें जो स्ट्रीम निकल रही है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रह जाएगा, what will be the value of a dash after the stream has fallen through a distance of h, water agar h duri niche gir gaya to, dekhiye equation of continuity laga denge, jahan par cross sectional area zyada hota hai wahan raftaar kam ho jati hai, जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इनडायरेक्ट कंक्लूजन यही है, a into v equals to constant है, इसका मतलब है क्रॉस सेक्शनल सॉरी वेलोसिटी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ फ्लो रेट इज सेम, ठीक है ना, तो जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है वहां रफ्तार घट जाती है एंड वाइस वर्सा। आप ये समझ पा रहे होंगे वाटर ड्रॉपलेट जो है यहाँ से यहाँ तक जो h दूरी नीचे गिर रहा है तो इनकी कुछ वेलोसिटी बढ़ गई होगी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप ये समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लगा दिया है, यहाँ पर आते आते रफ्तार सिंपल काइनेमेटिक्स, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया a डैश निकालना तो कौन सी बड़ी बात है, v इनटू a डैश इज इक्वल टू v नॉट इनटू a, तो a dash की वैल्यू हो जाएगी v not a upon under root of v not square plus 2gh is the answer to the problem, very easy। तो इस टाइप के बहुत आसान क्वेश्चंस अगर केवल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बेस्ड है तो आ सकते हैं,
बट इन जनरल इतने आसान सवाल आते नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को क्लब किया जाता है द बर्नौली थ्योरम के साथ, ठीक है ना, द बर्नौली थ्योरम के साथ क्लब किया जाता है। तो द बर्नौली थ्योरम अब हमें पढ़ना है, और द बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स में जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं उसे ही बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट कहा गया है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि लिक्विड के अंदर कौन कौन सी टाइप की एनर्जीज हो सकती हैं, पहले तो उसे स्टडी करना है और फिर हम जाके एनर्जी कंजर्वेशन सीखेंगे। कह देते हैं लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, अब जब मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी होती है पहले ये तो पता चले, उसी तरीके से फ्लूइड्स के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं हम उसकी बात करेंगे। दो एनर्जीज तो बहुत आसान है जो आप वैसे ही जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर लिक्विड जो है किसी हाइट पर है, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसी हाइट पर है विथ रेफरेंस टू सम जीरो लेवल, जो लेवल होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे अपन, याद है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम एक रेफरेंस लेवल डिफाइन करते थे, उसी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अगर रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी हाइट पर लिक्विड रखा हुआ है तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू एम जी एच। लेकिन अभी हम यहाँ पर है ना, वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सारी जो हम एनर्जीज की बात कर रहे होंगे वो या तो पर यूनिट मास की बात करेंगे या पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं mgh है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो दैट विल बी इक्वल्स टू g इनटू h, m से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट विल बी इक्वल्स टू mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम गिव्स मी व्हाट, डेंसिटी, रो जी एच। इसके मायने अलग हैं, पहली बात तो समझ लें, इसे वो रो जी एच प्रेशर से मत रिलेट करें, रो जी एच वाले प्रेशर से रिलेट ना करें, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बस अलग, बस इतना ही इसे इंपॉर्टेंस है ना, छोड़ क्या दिमाग नहीं लगा। रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर आप एच हाइट पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच होती है, दैट्स इट। अच्छा, अगर पार्टिकल्स मूव भी कर रहे हैं तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज, बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की बात की जाए तो दैट विल बी वी स्क्वायर बाय 2। अगर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लूं तो हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, सो दिस विल बिकम हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर। बहुत आसान बात। अब आ जाते हैं थर्ड टाइप की एनर्जी जो आपके लिए नहीं है, प्रेशर एनर्जी। थर्ड टाइप की एनर्जी की बात हो रही है, विच इज प्रेशर एनर्जी। अब देखो ये प्रेशर एनर्जी है क्या एक्चुअल, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, यस शिवांश, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। मान लीजिए कि लिक्विड जो है वो किसी एच हाइट तक भरा हुआ है, इट इज फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ एच, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, और अगर लिक्विड इतने में भरा हुआ है तो बेस पे प्रेशर आप जानते हैं कितना होता है, रो जी एच। अगर डेंसिटी मैंने रो मान रखी है तो प्रेशर एट द बेस विल बी इक्वल टू रो जी एच, व्हिच इज इक्वली ट्रांसमिटेड एवरीवेयर। यहाँ पर एक बहुत पतला सा पाइप है और इस पतले से पाइप में एक पिस्टन फिट किया गया है। यू नो द मीनिंग ऑफ पिस्टन, सपोज एक स्टॉप कॉक लगा दिया है, तो यहां पर प्रेशर तो एग्जर्ट हो ही रहा हो लिक्विड के कारण, यस और नो, लिक्विड तो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स एक्ट कर जाएगा, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट करेगा विच इज, यहां से कितना एक्ट करेगा जल्दी बताओ, यहां पर प्रेशर कितना होगा जल्दी बोले, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये तो हो गया यहां का प्रेशर। अगर पिस्टन के एरिया जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर मिलने वाला मुझे एक फोर्स मिल जाएगा एफ वन, यस और नो, दिस इज द नेट फोर्स जो इस पॉइंट पे लग रहा है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो किस किस के कारण है, एटमोस्फेयर
एंड लिक्विड दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। अच्छा बाहर भी तो हवा है तो वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वहां की तरफ से भी एक फोर्स लग रहा होगा F2 which is P0 multiplied by area. What is the net force exerted on the piston? पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? P0 plus rho gh into A minus P0 into A, कितना बचा? Rho gh multiplied by A. Yes, बहुत आसान बात बताइए। ये इस साइड एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट था, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर का इफेक्ट था, दोनों का इफेक्ट तो कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स जो है वो कौन एग्जर्ट कर रहा है? लिक्विड। अब इतने फोर्स एग्जर्ट करने के कारण पिस्टन को तो बाहर हो जाना चाहिए, और होता भी है ऐसे, यूं बस पिस्टन लगा के रख दोगे तो क्या होगा, लिक्विड के फोर्स से ही बाहर निकल भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूं। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो एक बात समझ में आ रही है कि इसको यहां पर होल्ड करके रखने के लिए क्या मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है? जैसा अगर आपको याद आ रहा होगा वाटर और एसिड वाला एक मैंने एग्जांपल कराया था हाइड्रोस्टेटिक्स, इसमें एक डोर था नीचे है ना, आपसे कहा गया था एसिड की तरफ से ज्यादा फोर्स लग रहा था तो वाटर की तरफ से फोर्स लगा के उसे होल्ड करना है, रोकना है। द सेम वे पिस्टन को रोकने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना रिक्वायर्ड होगा? कम से कम रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अगर मैं इतना फोर्स लगाता हूं, इससे हल्का सा भी ऊपर फोर्स लगा दूं, बहुत हल्का सा, तो पिस्टन कहां मूव कर जाएगा? अंदर। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा फोर्स ना लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स जितना ही फोर्स लगा के हल्का सा इसको अंदर डिस्प्लेस करा दिया, मान लीजिए डेल्टा एक्स अमाउंट से, पिस्टन को मैं अंदर ले जा रहा हूं डेल्टा एक्स अमाउंट से, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों? वर्क डन In moving the piston through dx, piston को अगर dx से move कराना है तो मुझे कितना force लगाना पड़ेगा? Delta x से अगर move कराना है तो जल्दी बोलिए। That is force multiplied by displacement. Force कितना लग रहा है? Rho gh into a और displacement delta x से multiply कर दीजिए। यही work done है। समझ रहे हो ना? External से थोड़ा सा ऊपर दे दीजिए। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि विदाउट इम्पार्टिंग एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी आप बस इसे आगे मूव करा दें, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल इम्पार्ट कर रहे हैं, बस किसके अगेंस्ट वर्क कर ले रहे हैं? फ्लूइड के प्रेशर के अगेंस्ट। तो फ्लूइड के प्रेशर के अगेंस्ट मैंने कुछ वर्क किया और पिस्टन को अंदर मूव करवा दिया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जब भी हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो द वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी। जैसे अगर मैं एक पेन को उठा के ऊपर रखता हूं तो आई एम डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। द सेम वे अगर लिक्विड के प्रेशर के अगेंस्ट आप वर्क करते हैं तो लिक्विड के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे कहा जाता है प्रेशर एनर्जी। लिक्विड के अंदर जब आपने लिक्विड को यहां पर फोर्स धक्का मारा है ना, तो लिक्विड के अंदर क्या स्टोर हो गई है? एक तरीके की एनर्जी विच इज नोन एज प्रेशर एनर्जी। क्यों? जैसे ही आप अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाइए क्या लिक्विड काम करने के लिए आतुर है? बिल्कुल। रो जी एच इनटू ए तो लगा ही रहा है, वो तुरंत वो उस पिस्टन को बाहर निकाल देगा, वर्क कर दिया ना उसने, जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो वापस वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो दैट इज द प्रेशर एनर्जी। इसे ही प्रेशर एनर्जी कहा जाता है। अब a into dx क्या होता है पहले ये बताओ, एरिया मल्टीप्लाइड दिस वॉल्यूम। तो एक बात समझिए, दिस इज द वर्क डन एंड वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने आपको बताया ना वर्क डन ही किसमें स्टोर हो जाता है? द वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी, यही प्रेशर एनर्जी के बराबर है। और प्रेशर एनर्जी अगर मुझे निकालना है, दिस स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, सो प्रेशर एनर्जी अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? रो जी एच, एंड दिस रो जी एच इज नथिंग बट द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड। लिक्विड के कारण जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके बराबर होता है, तो बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल रहा है कि गिवन पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, खत्म, वही प्रेशर एनर्जी।
मोटे मोटे रूप पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है? न्यूमेरिकली इट इज इक्वल्स टू व्हाट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि यहां पर कितना है? रो। चलिए अब आ जाते हैं अपन द बर्नौली थ्योरम पे, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली बात तो ये देखिए इसकी वैलिडिटी क्या है, कहां लगा सकते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लगता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लगता है और आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। आइडियल फ्लूइड या आइडियल लिक्विड यहां पर कहने का मतलब है कि लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस कहने का मतलब है इसमें विस्कोसिटी ना हो। विस्कोसिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड के अंदर भी इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स होता है, अगर उसे भी हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नॉन विस्कस और इनकंप्रेसिबल लिक्विड, उसे आइडियल लिक्विड कहा गया। अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है, तब ऐसा कहा जाता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम थ्रूआउट द स्ट्रीमलाइन फ्लो कांस्टेंट रहता है। एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज एक्चुअली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जाता है और एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका प्रूफ। मान लीजिए कि हम छोटे से टाइम डेल्टा टी की बात कर रहे हैं। डेल्टा टी टाइम में लिक्विड जो है यहाँ पर एंटर करेगा और कुछ दूरी ट्रेवल कर लेगा, लेटर से डेल्टा एक्स वन, इतना लिक्विड जो है वो एंटर कर गया। अगर मैं पूछूंगी लिक्विड कितना एंटर कर गया, तो योर आंसर विल बी वॉल्यूम वाइज कितना एंटर कर गया, ए वन इंटू डेल्टा एक्स वन, और डेल्टा एक्स वन किसके बराबर है? वी वन इंटू डेल्टा टी के। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। यहां पर जो प्रेशर है P1 एक्ट कर रहा है और यहां पर हो सकता है एटमॉस्फेयर हो, तो यहां पर प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। प्रेशर को हमेशा कंप्रेस करने की कोशिश करता है ना चीज को, तो यहां से भाई एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर धड़ाधड़ मार रहे होंगे इसे, तो यहां पर प्रेशर इस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो वी वन, सॉरी वेलोसिटी वी वन इस डायरेक्शन में, यहां से लिक्विड बाहर निकल गया वी टू से। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए हाइट h1 स्पेसिफाइड है, h1 हाइट पे इसका सेंटर था, यहाँ पर h2 हाइट पे था। कोई दिक्कत है यहाँ पर? हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पर जो w1 वर्क है वो कितना होगा? w1 फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है? p1 into A1, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डेल्टा x1। क्या P1 into A1 डेल्टा x1 लिखा जा सकता है? Yes or no? इसी तरीके से यहां पर वर्क जो किया गया है that is P2 A2 multiplied by डेल्टा x2, where डेल्टा x2 is the amount of liquid which goes out in the same time डेल्टा t। डेल्टा टी टाइम में कुछ लिक्विड बाहर चला गया होगा, कितना बाहर चला जाएगा? वी टू डेल्टा टी के बराबर, विच इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एक्स टू। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बताई, लेकिन एक बात ध्यान रखो, फोर्स यहां लग रहा है डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, यहां पर फोर्स पीछे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में, वर्क डन नेगेटिव। So what is the network done? अगर network done निकालें, network done by the external agents मिला के, ये हो जाएगा P1 A1 delta X1 minus P2 A2 delta X2। इसमें किसी को परेशानी? क्या A into delta X ही capital V होता है? Capital V यही होता है ना? तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? P1 V minus P2 into capital V, which can be written as P1 into P1 minus P2 into capital V. This is the net work done. क्या अगर हम work energy theorem लगाएं, तो work done is equals to what? The net work done is equals to what? अगर हम देखें, ये तो आपका external agent ने work किया, work energy theorem लिखवा दीजिए. Work done by external है ये रहा, P1 minus P2 into volume, flow rate. बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? कितनी है? हाफ लेटर से जो मास रह गया वो डेल्टा एम मास है छोटे से टाइम में, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, यही तो होगा
और चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एम इनटू जी एच टू माइनस एच वन, यही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा जा सकता है पी वन माइनस पी टू इक्वल्स टू हाफ डेल्टा एम अपॉन वी वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस डेल्टा एम अपॉन वी जी एच टू माइनस एच वन। What is this? Rho. तो क्या ऐसा लिख दूं? P1 minus P2 equals to half rho V2 square minus half rho V1 square plus rho G H2 minus rho G H1. One one वाले एक साथ ले जाओ, two two वाले एक साथ ले जाओ। तो P1 yes. Yes. This is kinetic energy per unit time. उसने अपने जो बीच में डेंसिटी बनाई है जी, उसमें डेंसिटी चेंज तो वो वॉल्यूम जो है चेंज तो उधर ए वन वाली एरिया का और ए टू का वॉल्यूम नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी नहीं सर, आपने जो करा है प्रेशर इनटू वॉल्यूम है यहां पे वर्क कर ये वाला इसको मैंने सेम वी लिख दिया है। हां सर, हां इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा पर यूनिट टाइम। तुम भूल गए क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस। सुन लो, पर यूनिट टाइम की अगर हम बात करें, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करूं तो इक्वेशन ऑफ जितना पानी अंदर एंटर करेगा उतना ही तो लीव करेगा। लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, मैं स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं हम आइडियल लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये चीजें ये वॉल्यूम्स अलग अलग नहीं हो सकते, जितना वॉल्यूम अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर। सोचो अगर अंदर ज्यादा एंटर करके बाहर कम निकला तो लिक्विड अंदर इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। लिक्विड इकट्ठा होने का मतलब है कि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो नहीं है, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है। और अगर कभी आप ऐसा कह दो बाहर ज्यादा जा रहा है अंदर कम आ रहा है तो इसका मतलब भी वही है कि डेंसिटी बदल चुकी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equals to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. This is important. This is the statement of Bernoulli's theorem कि ये total energy जो है liquid की पहले और बाद में सेम है। एक गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लिखते हैं हम, फॉर अ गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये P क्या है यहाँ पर बच्चों? प्रेशर एनर्जी। हाफ रो वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बर्नौली थ्योरम यही कहता है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो। गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब सुन लो, आप इस गिवन स्ट्रीमलाइन के लिए अगर ये इक्वेशन लिखते हैं सही बात है, इस स्ट्रीमलाइन के लिए लिखते हैं सही बात है, इस स्ट्रीमलाइन यू नहीं कर सकते ये पॉइंट नंबर वन उठा लिया पॉइंट नंबर टू दूसरी स्ट्रीमलाइन को उठा, नो, ऑल दीज पॉइंट शुड लाई ऑन द सेम स्ट्रीमलाइन। एक ही स्ट्रीमलाइन के लिए आप अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्व करेंगे, दो अलग अलग स्ट्रीमलाइंस पे नहीं करेंगे। तभी तो लिखा है, देखो इसमें समझ में आना चाहिए, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक गिवन स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात हो रही है। अब आप देखें यहां पर दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैं कह रहा हूं इसमें आप रो और जी से डिवाइड कर दें, इस इक्वेशन को मैं रो और जी से डिवाइड कर रहा हूं, क्या बनेगा? पी अपॉन रो जी बनेगा प्लस यहां क्या बनेगा वी स्क्वायर बाय टू जी और यहां क्या बन जाएगा एच। क्या ये भी कांस्टेंट ही रहेगा? यस। इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल हेड। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज ऐसे दी जाती है, ग्रेविटेशनल हेड एच दे दिया, v square by 2g को कहेंगे velocity head, this is velocity head and p upon rho g is known as pressure head, ये pressure head होता है। suppose एक cylinder है पूरे को liquid से भरा हुआ है, यहाँ पे pressure p1 है और let us say यहाँ पर जो pressure है वो p2 है और इन दोनों में बीच में हाइट डिफरेंस है h। मैं कह रहा हूं ये स्टैटिक कंडीशन है, लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा, स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन। p1 p2 में रिश्ता बताओ तुम जानते हो, लिक्विड के अंदर ही है
लिक्विड के अंदर हो। P1 P2 में रिश्ता बताओ, तुरंत बताओ। P2 P2 is equals to P1 plus rho gh, यही होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं अपन। तो अब मैं बर्नौली थ्योरम लिख के इसको प्रूव करते हैं। देखो P1 plus half rho V1 square plus, या चलो P plus half rho V square plus rho gh बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएं। यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर नहीं जानते, P1 plus, क्या लिक्विड यहाँ फ्लो कर रहा है? नहीं, स्टैटिक कंडीशन है, जीरो का स्क्वायर प्लस। क्या अगर मैं P2 को ही रेफरेंस लेवल मान लूं, तो हम रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, h हाइट ऊपर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल। आप इसे भी रेफरेंस ले सकते थे, आप इसे भी रेफरेंस ले सकते थे, फिर ये h1 लेते, इसको h2 लेते, डिफरेंस आता, बात तो वही हो जाती बराबर। सेकेंड पॉइंट पे प्रेशर है P2, लिक्विड फ्लो नहीं कर रहा है, हाफ रो इंटू जीरो स्क्वायर प्लस रो जी, एच है क्या इसका, नहीं ये तो खुद ही रेफरेंस लेवल पे जीरो। यहां से भी पता चल गया कि P2 बराबर क्या है, P1 प्लस रो जी एच, दैट मींस बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल टू स्टैटिक्स आल्सो। स्टैटिक्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। मान लो एक बार लिक्विड चल भी रहा हो, चलो मान लेते हैं कि लिक्विड मूव भी कर रहा है, चलो ये रहा पॉइंट P1 वाला और यहाँ पर प्रेशर P2 है, अगेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ h, यहाँ पर कुछ रफ्तार है V1 और यहाँ पर कुछ रफ्तार है इसकी V2। अब लिखो, आओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बर्नौली थ्योरम, पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए लिखूंगा, है ना, हाफ, सॉरी पहले प्रेशर एनर्जी लिख लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर, जल्दी बोले, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू जीरो, क्योंकि इसे ही रेफरेंस मान लिया, ये समझ थोड़ी आया होगा, पक्का सभी को। एक बार बताओ V1 V2 में रिश्ता क्या है, वेरी गुड, V1 और V2 सेम है, क्यों, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लेता हूँ, A into V1 बराबर A into V2, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, तो बस खत्म हो गया, A से कैंसिल आउट हो गया, V1 V2 सेम है तो ये फैक्टर्स भी कैंसिल आउट हो गए, वही रिलेशनशिप आ गया, P2 बराबर V1 plus rho gh, ठीक है। देखिए लिक्विड जो है ए पॉइंट पे एंटर करता है जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बी पॉइंट से गुजरता है जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे कहा गया है कि ए और बी पॉइंट के बीच में 5 मीटर का डिफरेंस है, तो यू हैव टू फाइंड आउट पीबी माइनस पीए, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है और ए पॉइंट पे जो प्रेशर है उनका डिफरेंस निकालना है। दिस प्रेशर इज ऑल्सो द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वही तो होता है प्रेशर एट दैट पॉइंट, तो हमें पीवी माइनस पीए निकालना है। चलिए बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने से पहले मुझे पता है यहाँ पर वेलोसिटी तो 3 मीटर पर सेकंड है, बट यहाँ की वेलोसिटी अभी मुझे नहीं पता है, आई विल यूज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन हमेशा याद रखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम हमेशा साथ में यूज होंगे, 99% केसेस में साथ में यूज होंगे ही होंगे। चलिए यहाँ पर a into v लिखवा दीजिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड बराबर, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहां की रफ्तार मैं नहीं जानता हूं, लेट अस से दैट इज v2, तो v2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, यहां पर जो रफ्तार होगी वो 1 मीटर पर सेकंड आ गई, खत्म। अब आप बर्नौली थ्योरम लगाइए, ए पॉइंट पे प्रेशर नहीं जानते, ये प्रेशर ही हमारी क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी है या फिर गिवन प्रेशर भी है जो एक्सटर्नली हमने प्रेशर लगाया हुआ होगा, तो पी ए प्लस हाफ ऑफ, जल्दी बताएं, रो वी स्क्वायर, वाटर मान लेते हैं, वाटर की डेंसिटी कितनी 1000, वेलोसिटी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों तो सेम ही लेवल पे हैं, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है,
प्लस जीरो लिख देता हूं बराबर प्रेशर एट बी पॉइंट प्लस हाफ ऑफ रो जी। और आपने वो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में चेंज करना था, किसको चेंज करना था? किसको चेंज करना था? यहाँ तो मीटर पर सेकंड में ही है। अरे ये वाला गिवन है, अरे ये तो कट गया ना, तो इनटू 1/2 इनटू 1000 इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है बी पॉइंट पे? 1 का स्क्वायर प्लस 0 खत्म है। यहां से पीबी माइनस पीए आ जाएगा, पीबी माइनस पीए विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 1 8 इट इज इक्वल्स टू 4000 पास्कल्स। अब ये वर्टिकल अरेंजमेंट है बच्चों, ये तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था, नाउ दिस इज द वर्टिकल अरेंजमेंट। इसी चीज का वर्टिकल अरेंजमेंट है, यहां से जो दूरी है ये 5 मीटर गिवन है। आपको सेम चीज यहां पर भी इवैल्यूएट करनी है। पहले तो ये देख लो, यहां पर जो वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 था, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 हो गया, यहां वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अभी भी निकाला था a into b, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगी जाएगा चाहे हॉरिजॉन्टल सेटअप हो या वर्टिकल सेटअप हो। यहां की जो रफ्तार आ गई वो 1 मीटर पर सेकंड है। लगा लो बर्नौली थ्योरम। रेफरेंस लेवल किसे मान लेते हैं? बी पॉइंट को रेफरेंस लेवल, इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं। प्रेशर एट ए पॉइंट नहीं जानते, प्लस जल्दी बोलो बाद में लिख लेना, हाफ ऑफ रो इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस रो जी एच पी एस बार, क्योंकि आप रेफरेंस से कुछ हाइट पे हैं, प्लस रो जी इनटू एच इज 5 बराबर प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो इनटू वी स्क्वायर। और यहां पर तो कोई हाइट है छह ही नहीं, तो इस केस में PB माइनस PA जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 4000 तो था ही था, प्लस दिस इज 5 एंड 4 जीरोस। देखो लास्ट क्लास में बर्नौली थ्योरम डिस्कस कर लिया था, आज बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस पे बात करूंगा। बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। जब भी हम एक बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन लिखते हैं एक गिवन स्ट्रीमलाइन के लिए, तो हम लिखते हैं प्रेशर प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं कहता हूं कि अगर हम एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल पर की बात कर रहे हो, दैट मींस इफ अ हॉरिजॉन्टल लेवल इज मेंटेन, अगर आप एक गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, है ना, h की वैल्यू जो है वो तो चेंज होगी नहीं, तो दैट मींस उस केस में रो जी एच वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रह जाएगी। तो इसका मतलब है कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस इन द रीजंस वेयर वेलोसिटी इज हाई द प्रेशर विल गो डाउन, जहां पर वेलोसिटी बढ़ेगी वहां पर प्रेशर जो है कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, मतलब वेलोसिटी अगर कम हो गई तो वहां पर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे ऐसी बात कही जा सकती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ना आ रहा हो, दिस इज नोन एज प्रेशर वेलोसिटी का ट्रेड ऑफ। जहां पर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब इस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया जाता है, स्टार्टिंग विद सबसे हल्की फुल्की एप्लीकेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, द फर्स्ट वन इज वर्किंग ऑफ एटमाइजर और स्प्रेयर। स्प्रेयर या एटमाइजर की वर्किंग क्या होती है? देखिए आपको एग्जैक्ट वर्किंग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्स में सारी इन सब चीजों की वर्किंग होती है, हमें एक एप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए होता है कि कौन मतलब एप्लीकेशन मतलब क्या है बर्नौली थ्योरम से ये कैसे जस्टिफाई हो रही है। देखिए यहाँ पर एक बल्ब होता है एटमाइजर में या स्प्रेयर में, जैसे हम प्रेस करते हैं तो यहां से जो है लिक्विड की ड्रॉप्स बाहर निकलती है, ठीक है, लिक्विड की ड्रॉप्स यहाँ से बाहर निकलती है। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक नोजल है, ये बल्ब कहलाता है BULB, यहाँ पर एक पाइप है जो एक लिक्विड में इंसर्टेड है, ठीक है। तो जब भी बल्ब को आप प्रेस करते हैं
तो क्या होता है कि यहाँ से यू आर स्क्वीजिंग द एयर आउट, एयर के मॉलिक्यूल्स को आप बाहर निकाल रहे होते हैं एक्चुअली स्पीकिंग। तो यहाँ से जब आप बल्ब को प्रेस करते हैं तो यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स को बाहर की तरफ एक पुश मिलता है, मतलब यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है और वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग की बात है, अभी लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा है, अभी केवल एयर। जब आपको पता होगा आप दो तीन बार स्प्रे करते हैं तब अच्छे से लिक्विड, घर पे कॉलिन होगा आप कॉलिन को यूज कीजिए, तो आप जब उसे प्रेस करते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि पहली बार में बाहर निकल आए। एक दो बार जब आप बल्ब को प्रेस करेंगे तब ये एयर के मॉलिक्यूल्स निकलने के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, जहां पर वेलोसिटी बढ़ जाती है ना वहां प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ड्यू टू प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। तो जब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई, प्रेशर घट गया, लेकिन यहाँ अंदर तो प्रेशर घटा नहीं है, तो क्या होता है यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो अभी भी ज्यादा है। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ की वेलोसिटी बढ़ गई, क्या यहाँ पर अभी भी मॉलिक्यूल्स में मोशन है कि एयर मॉलिक्यूल्स में नहीं है? यहाँ के एयर मॉलिक्यूल्स में अभी इतना मोशन नहीं आया है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बहुत कम है। वेलोसिटी के बहुत कम होने के कारण यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है, तो यहां से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ धक्का लगता है और वो इस तरीके से अंदर एंटर करना स्टार्ट करते हैं ऊपर की तरफ। तो यहां से प्रेशर ज्यादा हुआ तो लिक्विड जो है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चालू करेगा, और जैसे ही कुछ लिक्विड की बूंदे ऊपर आ जाएंगी, ड्रॉप्स ऊपर तक पहुंच जाती है, उसके बाद जो है लिक्विड की जो ड्रॉप्स है वो बल्ब को आप बार बार कंटिन्यूअसली प्रेस कर ही रहे हैं, तो लाइट अलॉन्ग विद एयर मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है वो भी बाहर स्प्रे होने लगते हैं। Again, it's an application of Bernoulli's theorem based on pressure-velocity trade-off. अब यहाँ आ जाइए blowing off roofs during storms. मतलब ये बस इसमें इतना ही है कि ये atomizer या sprayer जो है वो किसके ऊपर based होता है? Bernoulli's theorem के ऊपर। कि यहाँ पर हम velocity air molecules की बढ़ा देते हैं जिससे pressure बढ़ जाता है, लेकिन अंदर में pressure अभी भी ज़्यादा है क्योंकि particles का movement start नहीं हुआ है, velocity कम है, जिसके कारण high pressure के कारण liquid molecules are pushed into the tube. Which eventually rise up and due to the action of the bulb and spraying, जो liquid के particles हैं वो बाहर आते रहेंगे। Next आ जाइए blowing off roofs during storms. जब आंधी तूफान आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो अपने यहाँ तो बहुत कम है मतलब, लेकिन जहाँ पर ऐसा होता है तो क्या होगा कि आंधी तूफान जो है, जो उस केस में एयर जो है बहुत हाई स्पीड से, विंड्स जो है वो बहुत हाई स्पीड से ब्लो कर रही होती है, तो इतनी हाई वेलोसिटी होती है यहाँ पे कि प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। घर के अंदर, छत के अंदर अभी भी क्या मॉलिक्यूल्स इस रफ्तार से चल रहे हैं जैसी बाहर विंड है? नहीं, यहाँ पर जो है एयर जो भी मौजूद है वो बहुत कम वेलोसिटी पे है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है एयर मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम है। यहाँ पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो घर के अंदर जो है वो प्रेशर बढ़ जाएगा, बाहर की तरफ प्रेशर घट जाएगा। अगर आप छत को देखें तो छत पे नीचे से ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है, ऊपर से कम प्रेशर एक्ट कर रहा है, सो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, एक एरोडायनामिक लिफ्ट आ जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि अब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर से लग रहा होगा P1, नीचे से लग रहा है P2, और P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लग जाएगा P2 - P1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रूफ। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज एरोडायनेमिक लिफ्ट, इसे एरोडायनेमिक लिफ्ट भी कहते हैं। तो इस फोर्स के कारण क्या होगा, छत उड़ जाएगी, छत को एक अपवर्ड फोर्स मिल जाएगा और छत जो है वो उड़ जाती है, इसी कारण से जो रूफ्स हैं वो स्टॉर्म्स के दौरान उड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ऐसा क्यों बना, बस सीधा ही बना ठीक है ना, मतलब झोपड़ी बनाई है मैंने, अगर प्लेन होती तो हां, हां जी तो भी सेम ही अमाउंट में मैग्नीट्यूड सेम होता फोर्स का, तो सेम ही रहेगा, तो अभी तो मैंने एक अप्रोक्सीमेट लिया है, एरिया कुछ अलग हो गया इसमें, वो थोड़ी है मतलब, ये तो मैंने जनरल बताई है बात, अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर प्रेशर कम है, ऊपर की तरफ लिफ्ट आ जाएगा, दैट्स इट। एरोडायनामिक डिजाइन ऑफ द विंग्स ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के जो विंग्स है वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, वो पूरी एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, पूरा वो सेक्शन है, आप उसके लिए मेरे पीछे मत पड़िए कि विंग्स ऐसे नहीं होते, विंग ऑफ द एरोप्लेन एक बार के लिए मान लीजिए। अब इसका जो डिजाइन है वो इस तरीके का होता है, सुन लीजिए, डिजाइन इस तरीके का होता है कि व्हेन इट गोज इनटू द एयर, मतलब ये एयर में जब इसका मूवमेंट चालू होगा तो
वो एयर की स्ट्रीमलाइंस को इस तरीके से कट करता है कि स्ट्रीमलाइंस एरोप्लेन के विंग के ऊपर ज्यादा क्राउडेड मिलेंगी एज कंपेयर टू द बॉटम. स्ट्रीमलाइंस ऊपर क्राउडेड हो जाती हैं. स्ट्रीमलाइंस क्राउड होने का मतलब है यहाँ पर जो रफ्तार है वो क्या हो गई, बढ़ गई. यहाँ इस तरीके का डिजाइन रखा जाता है. वो कैसे रखा जाता है, दैट्स अ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट कि वो किस तरीके से करेंगे. लेकिन इतनी बात है कि उसका डिजाइन ऐसे रखा गया कि मैक्सिमम स्ट्रीमलाइंस आर पासिंग थ्रू द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द विंग. तो यहाँ पर जो रफ्तार है वो पार्टिकल्स की, जो एयर मॉलिक्यूल्स की, वो बढ़ जाएगी. नीचे जो रफ्तार है वो कम हो गई. तो ड्यू टू प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, वेलोसिटी जहां बढ़ गई वहां प्रेशर घट जाएगा और जहां वेलोसिटी घट गई वहां प्रेशर बढ़ जाएगा. सिंपल सी बात है, अगर यहां प्रेशर बढ़ गया है, नीचे प्रेशर बढ़ गया, ऊपर कम हो गया, तो एरोडायनेमिक लिफ्ट इसके ऊपर भी लग जाएगा और इसके कारण जो है एरोप्लेन वो लिफ्ट कर जाता है, हवा में उड़ना चालू कर देता है. दिस इज द एप्लीकेशन, एरोडायनेमिक डिजाइन ऑफ द विंग्स ऑफ एरोप्लेन. तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ. एरोप्लेन के अंदर का, हाँ वो तो बहुत पूरा पूरी इंजीनियरिंग है. नेक्स्ट है वेंचुरीमीटर. इट इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो वेलोसिटीज ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स. लिक्विड्स की फ्लो वेलोसिटी मेजर करने के लिए काम आता है वेंचुरीमीटर. कभी कभी फ्लो रेट्स भी अपन मेजर कर सकते हैं, मतलब वेलोसिटी आ गई तो फ्लो रेट भी आसानी से मेजर किया जा सकता है. अब बेसिकली देखिए इसका वर्किंग जो है वो बहुत ही सिंपल मॉडल बनाया है यहाँ पर. ठीक है, मैं एक स्ट्रीमलाइन चूज कर लेता हूँ. सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे ये एक नैरो ट्यूब थी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था. ठीक है, इट एंटर्स इनटू अ नैरो ट्यूब. ये ब्रॉडर था और ये नैरो हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन आ गया है यहाँ पर, और इस कारण से यहाँ पर जो स्ट्रीमलाइंस है वो क्राउडेड से दिख रही है. ठीक है, ऑब्वियसली बात है जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई होगा वहां पर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, और जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां वेलोसिटी हाई हो जाएगी. तो लेट अस से कि मैंने एक स्ट्रीमलाइन चूज कर लिया, ये वाला स्ट्रीमलाइन मैं चूज कर लेता हूँ जो कि एक गिवन हॉरिजॉन्टल लेवल पर है. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर जाकर वेलोसिटी अगर v2 हो जाती है, तो यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या क्या बनेगा बताइए, कंटिन्यूटी इक्वेशन. हाँ बोलिए, a1 v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a2 into v2. एनी इश्यूज? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना, तो जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम. दिस इज नोन एज व्हाट, प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यहां पर अगर मैं कह देता हूं प्रेशर P1 है और यहां का प्रेशर अगर कह देता हूं कि P2 है, तो P1 और P2 के बीच में आप क्या रिलेशन देख सकते हैं. देखिए P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि बाय प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ आपका P1 जो है वो P2 से ज्यादा आ जाएगा. P1 प्रेशर इज ग्रेटर देन P2 प्रेशर. तो ऑब्वियसली बात है कि यहां का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और यहां का प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए. तो यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर कहां से मिलेगा, यहां पर एक छोटी छोटी पतली सी ट्यूब्स कनेक्टेड है, तो यहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर तभी आएगा जब यहां पर लिक्विड का जो एक्स्ट्रा कॉलम हो, यहाँ पर लिक्विड का एक्स्ट्रा कॉलम हो जो यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर दे दे. तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है लिक्विड ज्यादा हाइट पर चढ़ेगा और यहाँ पर जो लिक्विड है वो कम हाइट पर चढ़ेगा, सच दैट द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ लिक्विड, इतना अगर एच हाइट का डिफरेंस है तो वो एच हाइट के लिक्विड के कारण ही यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा एज कंपेयर टू P2. समझ गए, P2 पे कुछ प्रेशर आ रहा होगा इतने हाइट के कारण, इतने हाइट ऑफ लिक्विड के कारण, तो P1 पे जो प्रेशर है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए. ज्यादा कैसे आएगा, यहाँ पर लिक्विड ज्यादा चढ़ेगा तो यहाँ का जो रो जीएच का अमाउंट है एक्स्ट्रा लिक्विड का वो यहाँ पर प्रेशर दे देगा. तो ऑब्वियस ही बात है कि P1 माइनस P2 जो है, यहाँ मुझे लिखना चाहिए कि प्रेशर का जो डिफरेंस है वो किसके कारण आ रहा है, रो जीएच लिक्विड के कारण. ये समझ गए हो, ये एक्सप्रेशन लिखना समझ गए कि यहाँ पर प्रेशर
यहाँ पी टू से ज्यादा कितना है, ये रो जी एच ही तो एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा है आपको, दैट्स इट। नाउ आई एम ऑल्सो राइटिंग डाउन द बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम अगर लिखे यहाँ पर तो बताइए क्या लिखना चाहिए। यहाँ पर प्रेशर है पी वन प्लस हाफ ऑफ रो वी वन स्क्वायर, रो जी एच लिखने की जरूरत नहीं है, और बराबर यहाँ पर लिखना चाहिए P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज A, दिस पॉइंट एज B, तो इस स्ट्रीमलाइन पे A और B सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हो, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, P1 माइनस P2 इज रो जी एच, so p1 minus p2 is given as rho gh which is equals to half rho v2 square minus v1 square, rho से rho cancel out हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से v1 की value या v2 की value कहीं से भी substitute कर दीजिए, मैं यहाँ से v2 की value उठा लेता हूँ। चलो यहाँ से आप v2 उठा लीजिए, v2 की value हो जाएगी a1 upon a2 into v1, तो इसको यहाँ substitute करेंगे तो v2 square माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, वी टू की वैल्यू लिख ले रहा हूँ ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई वी वन स्क्वायर इज टू जी एच, तो वी वन की जो वैल्यू है दैट विल बी अंडर रूट ऑफ टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर माइनस वन, दिस इज वेलोसिटी वी वन। इसी तरीके से आप वेलोसिटी वी टू भी निकाल सकते हैं, यहां तक कोई परेशानी है? इसी को मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए टू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बाहर आ जाएगा, ए टू इंटू अंडर रूट ऑफ टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और बी टू वेलोसिटी आप लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इंटू वी वन, आप वी वन को इधर ले आइए, वी वन को जैसे इधर लेकर आएंगे ए टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा, ए वन इंटू चाहे तो आप ए वन वी वन से लिख सकते हैं या फिर ए टू वी टू से, सेम ही आएगा। लेट अस से ए वन ए टू कर दीजिए तो ये बन जाएगा ए वन ए टू अंडर रूट में टू जी एच अपॉन ए वन स्क्वायर माइनस ए टू स्क्वायर, बहुत आसान है। दिस इज द वर्किंग ऑफ अ वेंचुरीमीटर, जहां पर वेलोसिटी हाई हो गई वहां प्रेशर कम हो गया तो लिक्विड कम अमाउंट पे चढ़ेगा, जहां पर प्रेशर हाई है वहां लिक्विड ज्यादा प्रेशर मतलब ज्यादा हाई तक चढ़ेगा। डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स इज रो जी एच, देन अप्लाई बर्नौली थ्योरम, दैट्स इट। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। Find out the velocity head at point Y given G is 1000 centimeter square per second. ध्यान से देखिए वेंचुरीमीटर का सेटअप है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं X और Y। X पे जो फ्लो रेट है, सॉरी फ्लो वेलोसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है। अकॉर्डिंग टू प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, क्या जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर बढ़ जाएगा। The extra pressure is provided by this column of the liquid and henceforth the liquid has raised to a height of 5.1 mm as compared to the level at point Y. Y पे रफ्तार बढ़ी हुई है, वो velocity कितनी है हम नहीं जानते, वही आपसे पूछ रखा है, velocity पहले calculate करेंगे। तो आप Bernoulli's theorem लगा दीजिए, same horizontal level पे X और Y है तो pressure at X plus half of rho into vx square बराबर pressure at y plus half of rho into vy square। आप pressure at x minus pressure at y कर दीजिए, that is equals to half rho v square minus 2 centimeter का square कर देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो हर चीज को अपन को convert करना पड़ेगा cgs unit में। तो देखिए px minus py 5.1 mm के कारण यहाँ पर जो प्रेशर है वो देखना पड़ेगा, रो जी एच है, रो इंटू जी इंटू एच इज हाफ रो इंटू वी स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए रो से रो कैंसिल हो जाता है, जी 1000 दे रखा है, एच को आप कन्वर्ट करें mm में तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 5.1 डिवाइडेड बाय 10, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू v square minus 4, तो
दिस बिकम्स यहाँ 100 हो जाएगा, ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इधर जाएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 2 व्हिच इज v स्क्वायर माइनस 4, सो v स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 1024, इतना बन जाता है 1024 इज 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 होता है बच्चों, तो v की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 की पावर 5 व्हिच इज 32 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द फ्लो वेलोसिटी एट पॉइंट y, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला देखो मैंने तुम्हें बताया था, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कांस्टेंट रहता है एज पर द बर्नौली थ्योरम, अगर आप एच को अलग कर दें तो उसे ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं, केवल एच को ग्रेविटेशनल हेड कहते हैं, तो आपको इस पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फैक्टर बन जाता है प्रेशर हेड, ये बनता है वेलोसिटी हेड और ये बनता है ग्रेविटेशनल हेड, रो जी से रो जी कैंसिल, यहां पर रो से रो कैंसिल, सो द वेलोसिटी हेड इज, वेलोसिटी हेड की जो वैल्यू है वो है v स्क्वायर अपॉन 2g, सो दिस इज 32 * 32 डिवाइडेड बाय 2 * 1000, हाउ मच इज दिस 0.512 यूनिट, व्हाट इज द यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, अरे भाई ये तीनों सेम यूनिट के हैं ना, सेंटीमीटर होगा, अरे भाई रो जी एच अपॉन रो जी क्या, केवल एच बचा ना, एच क्या है डायमेंशन, लेंथ का है ना, सबके डायमेंशन लेंथ जैसे ही होंगे, सेंटीमीटर आंसर, दिस इज द वेलोसिटी हेड। अब आ जाते हैं अपन नए अरेंजमेंट की तरफ, यस प्लीज पे अटेंशन नाउ, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज नोन एज Pitot's cube. Next application is Pitot's cube. चलिए ध्यान दें इस पे, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये, Pitot's cube miscellaneous है, हो सकता है आपको इस पे क्वेश्चन ना ही मिले, बट मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा हूं, जो भी है पढ़ लो एक बार के लिए। यहां पर देखिए ये भी इसी तरीके के मतलब ये भी फ्लो वेलोसिटीज निकालने के लिए काम आता है, यूजुअली एरोप्लेन्स के केस कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा काम आता है, तो एरोप्लेन्स के केस में जब आसपास विंड वेलोसिटी फ्लो रेट निकालना होता है उसके लिए ज्यादा काम में आता था पहले। पिटॉट्स क्यूब, यहाँ पर देखिए फ्लोइंग फ्लूइड है, ये फ्लूइड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, अभी के लिए आई एम अस्यूमिंग कि दिस फ्लूइड इज गैस, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए काम आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी तेजी से जो है एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चल रहे हैं, मान लेता हूं कि उनकी वेलोसिटी जो है वो v है, कोई इशू यहाँ पर, v वेलोसिटी से जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो चल रहे हैं। अब हुआ क्या, आपने यहाँ पर एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया है और यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर दिया गया है जिसकी डेंसिटी कितनी दे दी है रो, यहाँ पर एक लिक्विड की डेंसिटी, अभी तो ऐसा मान लेते हैं कि लिक्विड जो है वो सेम लेवल पे होता, अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं कि कुछ राइट एंगल का कुछ ऐसा बना रखा है, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ अंदर एंटर करेंगे, इस वॉल से टकराएंगे और नीचे आएंगे, वॉल से टकराने पे वो अपनी रफ्तार खो देंगे, ठीक है, तो जब वो मॉलिक्यूल्स यहाँ नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट करेंगे, नीचे भी आएंगे, ऑब्वियस ही बात है गैस मॉलिक्यूल्स तो हर जगह जाएंगे, तो जब इधर आते हैं तो उनकी रफ्तार बहुत कम होती है, समझ लो क्या बात कह रहा हूं मैं, यहां पर जब आप आ रहे हैं तो वेलोसिटी जो है क्योंकि राइट एंगल से टकरा गए, इस वॉल से टकरा गए ना एयर मॉलिक्यूल्स, रफ्तार कम हो गई है, अब मॉलिक्यूल्स जो है वो इधर आ गए, उनकी रफ्तार जो है वो कम है, रफ्तार कम होने से यहां पर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, वेलोसिटी प्रेशर ट्रेड ऑफ, ठीक है, और यहां पर तो अभी भी ये गैस मॉलिक्यूल्स तेजी से वी वेलोसिटी से बह ही रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी जो है वो हाई है तो यहां पर प्रेशर जो है वो कम है, कोई इशू यहाँ पर, अब होगा क्या कि यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ गया है ना क्योंकि मॉलिक्यूल्स की रफ्तार खत्म कर दी गई है जानबूझ के, तो यहाँ एयर मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल्स को नीचे, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ हिट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड जो है वो नीचे बैठता चला जाएगा और इस साइड से लिक्विड जो है वो ऊपर उठता चला जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, कोई इशू,
तो होता क्या है कि लिक्विड के लेवल्स में कुछ डिफरेंस आ गया एंड दैट डिफरेंस इज लेट अस से इक्वल टू एच. डिफरेंस ऑफ द प्रेशर कम्स आउट टू बी एच. अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रेशर पी ए है जो कि गैस मॉलिक्यूल्स है तो देयर इज नो कंसिडरेबल वेरिएशन इन द प्रेशर. यहाँ समझ रहे हो ना, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है तो ज्यादा प्रेशर में कोई वेरिएशन आया नहीं है. यू तो है नहीं कि अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं कि 200 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे ऐसे प्रेशर ऐसे डिफरेंसेस की बात नहीं हो रही. ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है. तो यहाँ पर प्रेशर अगर मैं पी ए मान लेता हूँ और यहाँ पर प्रेशर जो है वो मैं पी वी मान लेता हूँ तो वॉट इज द डिफरेंस इन द प्रेशर. जल्दी बता दीजिए पी ए माइनस पी वी को मुझे क्या लिखना चाहिए. दैट शुड बी इक्वल टू रो जी एच. भाई इतना प्रेशर जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है ना. हाँ या ना, कितना समझ में आया है कि नहीं आया है. तो यू जस्ट अप्लाई बर्नौली थ्योरम नाउ. अब बर्नौली थ्योरम लिख दीजिए प्रेशर एट ए पॉइंट प्लस हाफ ऑफ रो. अच्छा यहाँ पर जो है वेलोसिटी कितनी है एयर मॉलिक्यूल्स की, जीरो ही है. मैंने कह दिया वेलोसिटी इतनी कम है ऑलमोस्ट जीरो है बराबर. बी पॉइंट पे चला जाऊं तो प्रेशर एट डी पॉइंट प्लस क्या लिखना चाहिए हाफ रो इंटू. यहाँ पर तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ना वीर रफ्तार से तो मुझे लिखना चाहिए हाफ रो वी स्क्वायर. चीज समझ में आ जाए. यहां से यहां पर भी तो प्रेशर पी वी है इस पूरे में. यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर पी ए है, यहां पर प्रेशर जो है वो पी वी है. यू आर अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम फॉर दिस स्ट्रीमलाइन सो दैट वी कैन से पी ए माइनस पी वी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर. व्हाट इज पी ए माइनस पी वी, it is rho gh. so rho gh will come out to be half, sorry or let us say, अच्छा एक मिनट यहाँ पर देखो इस लिक्विड की डेंसिटी अपन कुछ और ले लेते हैं. यहाँ लिक्विड की बात हो रही है ना, इसकी डेंसिटी रो ही लिखी है ठीक है. चलो नहीं ठीक है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ले लेते हैं अपन टू टाइम्स. चलो गैस की मैं मतलब लिक्विड यहाँ पर जो फ्लो कर रहा होगा उसकी मैं डेंसिटी कुछ और ले लूंगा. अभी यहाँ के लिए मैं रो ही लिख दे रहा हूँ तो इसको मुझे लिखना चाहिए टू टाइम्स पी ए माइनस पी वी डिवाइडेड बाय रो. ये वेलोसिटी हो जाएगी. अब आप चाहें इसको क्या लिख दें, अब इसको क्या लिख दोगे अगर केवल और केवल सुन लो, अगर केवल यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है, केवल यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स है तो ये चीज हमने सही लिखी है फॉर गैस. गैस के केस में अपन ने यहाँ पर पी ए माइनस पी बी की वैल्यू रो जी एच होनी चाहिए, सही लिखी है. वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्लो वेलोसिटी आ जाएगी. बट इन केस यहां पर भी लिक्विड होता, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं. अब यहां पर जैसे मैं कह देता हूं चलो पानी के अंदर की बात हो रही है तो यहां पर भी अगर लिक्विड होता तो इस लेवल तक यहां पर कोई एक और लिक्विड भरा हुआ होता और लिक्विड का प्रेशर तो कंसिडरेबल होता. नहीं समझे, समझो इधर. ये वाला पॉइंट क्या है ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है बी पॉइंट है. समझना ध्यान से, अगर यहां लिक्विड होता तो ये भी कोई लिक्विड से भरा हुआ होता. यहां पर रफ्तार नहीं होती लिक्विड के पास, मान लिया इधर से टकरा के आया लिक्विड के पास रफ्तार नहीं है, लेकिन इस लिक्विड के कॉलम के कारण यहां प्रेशर तो है. तो क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए इन केस ऑफ लिक्विड, अगर यहाँ लिक्विड होता और जिसकी डेंसिटी मैं कह देता हूँ रो एल, अगर यहाँ लिक्विड होता तो उसकी डेंसिटी मैं रो एल लिख ले रहा हूं तो यहां मुझे लिखना पड़ता पी ए प्लस रो जी. रो किसका, इस लिक्विड का. यहां पर यही लिक्विड होता ना अंदर भी, यहां पर भी यही लिक्विड भर जाता रो एल. रो एल जी एच बराबर इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर करूंगा क्योंकि सेम लिक्विड के अंदर है. तो यहां का प्रेशर मैं लिखूंगा PB प्लस रो जी एच क्योंकि यहां इस लिक्विड का तो डेंसिटी रो है. तो इस केस में PA माइनस PB मुझे लिखना चाहिए था रो माइनस रो एल इंटू जी एच. दैट्स इट, यही डिफरेंस है. अगर बाहर केवल गैस है तो आप प्रेशर डिफरेंस को लिखेंगे रो जी एच के बराबर, अगर बाहर लिक्विड है तो लिक्विड्स के केस में प्रेशर डिफरेंस रो माइनस रो एल इंटू जी एच हो जाएगा. दैट्स इट. अब डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो आप इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं.